पिछली वीडियो में हमने इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन के बारे में जाना और आज इस वीडियो में हम उसी के एक स्पेशल फॉर्म हैबिट स्टैकिंग के बारे में जानेंगे। फ्रेंच फिलोसोफर डेनिस दिद्रो ने अपना पूरा जीवन गरीबी में गुजारा था, लेकिन 1765 में एक दिन सब कुछ बदल गया जब रूस की महारानी कैथरीन ने दिद्रो की पर्सनल लाइब्रेरी को 1000 पाउंड में खरीद लिया, जो कि आज के $1.5 लाख के बराबर है। अचानक से दिद्रो के पास बहुत पैसा आ गया, जिससे फिर उन्होंने अपने लिए एक लाल पोशाक खरीदी। लेकिन दिद्रो को अब अपने आसपास की चीजें अच्छी नहीं लग रही थी, वो ओल्ड फैशन लग रही थी, जिसके कारण उन्होंने अपने घर का फर्नीचर बदलवाया, महंगी मूर्तियों से अपने घर को सजाया, एक बेहतरीन किचन टेबल खरीदा और इस तरह से वो एक के बाद एक चीजें खरीदते चले गए। आपको ये व्यवहार कुछ मिलता जुलता लग रहा होगा, वास्तव में हमें एक के बाद एक चीजें खरीदने की प्रवृत्ति होती है, जिसे दिद्रो इफेक्ट कहते हैं। जब भी आप कोई नई चीज खरीदते हैं तो अक्सर कंजप्शन की चेन रिएक्शन शुरू हो जाती है। जैसे आपने अपने लिए कपड़े खरीदे तो आप अक्सर मैचिंग के शूज भी खरीद लेते हैं, आपने कोई गेम परचेज किया या आप कोई गेम खेलते हैं तो आप इसकी एसेसरीज भी खरीद लेते हैं। कई ह्यूमन बिहेवियर इसी साइकिल को फॉलो करते हैं, लेकिन ये सब जानने से हमें क्या फायदा? एक फायदा है, इसका यूज हम नई आदतों को बनाने में कर सकते हैं। इसके लिए हमें एक वर्तमान आदत पहचाननी पड़ेगी जिसे हम हर रोज करते हों, फिर नई आदत को हम वर्तमान आदत के पहले या बाद में जोड़ देंगे। जैसे अगर आप हर रोज मेडिटेशन करने की आदत डालना चाहते हैं तो आप हर रोज सुबह नहाने के बाद मेडिटेशन कर सकते हैं। ये टेक्निक हैबिट स्टैकिंग कहलाती है। इसे बनाने का फॉर्मेट होता है आफ्टर करंट हैबिट आई विल न्यू हैबिट। इसमें आप करंट हैबिट की जगह पर वो आदत लिखिए जिसे आप हर रोज करते हैं और न्यू हैबिट की जगह पर उस हैबिट को लिखिए जिसे आप करना चाहते हैं। एग्जाम्पल के लिए मेडिटेशन के लिए ये कुछ ऐसा होगा, हर सुबह नहाने के बाद मैं अपने कमरे में 15 मिनट मेडिटेशन करूंगा। एक्सरसाइज के लिए कुछ ऐसा होगा, ऑफिस से आने के बाद मैं वर्कआउट के कपड़े पहनकर एक्सरसाइज करूंगा। रीडिंग के लिए कुछ ऐसा होगा, हर रोज मैं सोने से पहले 30 मिनट द सीक्रेट बुक पढ़ूंगा। इस तरह आप कई छोटी छोटी और अच्छी आदतें बना सकते हैं, लेकिन आपको ये ध्यान रखना होगा कि अगर आप कोई ऐसी आदत बनाना चाहते हैं जो आप हर रोज करें तो उसे ऐसी आदत के आगे या पीछे जोड़ना होगा जिसे आप हर रोज करते हो, ना कि हफ्ते में एक दिन या दो दिन करते हैं। साथ ही साथ आपको अपनी आदतों को हैबिट स्कोर कार्ड में ऊपर नीचे भी करके देखना होगा ताकि आपको अपनी नई आदतों के लिए अच्छी जगह मिल सके। मुझे आशा है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इस सीरीज के अगली वीडियो की लिंक मैंने कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप जाकर देख सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।